तो तुमने लगा ली, जिद लगा ली ना तुमने। मैंने उम्मीद लगाई थी। वो उम्मीद तो हमें बहुत चाहिए। उसकी तमन्ना ठीक है। आओ। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। हालात क्या है? मतलब कोई नया मसला तो नहीं? नहीं, बिल्कुल दिमाग ठीक है। अब मैं डरावने ख्वाब बिल्कुल नहीं देखती। आज पुलिस की हथकड़ियां देखकर भी नहीं डरी। मगर बस इतना, तुम्हें आज सुबह हथकड़ी में देखकर बहुत तकलीफ हुई। नफीस, ना कर। यहां समंदर भी नहीं। कितने दिनों से उसे देखा नहीं। पूरा दिन सोचा है, कि तुम बिल्कुल आजाद हो जाओगे। यहां बिल्कुल नहीं रहोगे। तुम्हें निकालने का कोई रास्ता तो होगा। रुक जाओ। क्या सोच रही हो नफीस? देखो, विदास से किसी भी किस्म की भीख मांगने मत जाना। नफीस, मुझे यहाँ पागल मत बनाओ। कई सालों तक हवालात में पड़े रहोगे। जब मैं उस कमीने शख्स को कश्ती पे लेके जा रहा था तो अपने 7 साल ताऊ पे लगा दिए थे। नफीस, विदास के पास नहीं जाना तुमने। मैंने 24 सालों में पहली दफा तुम्हारे साथ जीना सीखा है। तुम ही ने मुझे जीना सिखाया। तुम उस वक्त जहन्नुम में थी जब मैंने 29 साल सुकून से सांस लिया। अब मेरे हर साल पे तुम्हारा हक है। नफीस, देखो तुम्हें कसम खानी पड़ेगी। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तुम विदात के पास नहीं जाओगे। नफीस, मुझे भागने पर मजबूर मत करो। इस दफा इरादा नहीं बदलूंगा, उसे मार दूंगा। ठीक है, कसम खाओ। अच्छा ठीक है, खाती हूँ, कसम खाती हूँ बस। ठीक, ईद कैसा है? ठीक है। उस्मान बाबा और बराक उसका ख्याल रख रहे हैं। स्कूल में कभी कभी बेजार हो जाता है, जब घर पर आता है तो बिल्कुल ठीक रहता है। बहुत नखरे दिखाता है। वो भी तुम्हारा पूछता रहता है। कुछ अरसे में उसे आदि होना पड़ेगा। तुम्हारे बगैर वो कैसे रहेगा?